घर में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। सौरमंडल में सूर्य की भांति विराजमान हमारे मुख्य अतिथि महोदय और तारों की भांति टिमटिमाते हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और ग्रहों की भांति विराजमान हमारे परम पूज्य गुरुजनों, आप सभी को कक्षा 8 की विदाई समारोह और वार्षिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके समक्ष शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालूंगा कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा क्यों जरूरी है। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप जुड़ने की कोशिश करिएगा। कि बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा, ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा, बहुत जरूरी होती शिक्षा। इसलिए शिक्षा का जो महत्व है वो किसी संघ का नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि विद्या ददाति विनयम विनिया दयाति पत्रताम पत्रत्वाम धर्मा पड़ोति धनात धर्मे तपे सुखम। मतलब सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा धर्म अगर कहीं से शुरू होता है तो विद्या से शुरू होता है। मैं इस संदर्भ में एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक राजा था। एक राजा एक बार जंगल में जाता है, भटकते भटकते वह अपनी राह भटक जाता है। भूख भी बहुत लगी थी, भूख से व्याकुल होकर वह किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि तीन बालक उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। वो उन बालकों से गुजारिश करता है कि बेटा अगर आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं तो वो करवा दीजिए। तो बालक कहते हैं अवश्य राजा जी, हमारा घर पास नहीं है, हम अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। तो बालक उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवा देते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है। राजा कहता है कि मांगिए मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हो, आप जो मांगोगे वो आपको मैं दूंगा। तो पहला लड़का कहता है कि मुझे बहुत सारा धन बंगला गाड़ी दे दीजिए। दूसरा भी यही कहता है, लेकिन तीसरा बालक कहता है कि राजा जी आप संपन्न हो, आप अगर मेरे लिए शिक्षा की व्यवस्था करवा देते हैं, आप मुझे किसी गुरुकुल में भर्ती करवा देते हैं तो वो करवा दीजिए। तो राजा उसके जवाब से बहुत प्रसन्न होता है और उसे गुरुकुल में भर्ती करवा देता है। समय का चक्र चलता है, पहिया घूमता है, वक्त के आईने बदलते हैं और परिणाम भी बदल जाते हैं। जिसने धन मांगा था, धन मांगने वाले जो विद्यार्थी थे उनका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, लेकिन जिसने शिक्षा का चयन किया वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और एक दिन राजा उसे प्रसन्न होकर मंत्री बना देते हैं। तो अब गरीबी से परेशान होकर पहले वाले दोनों मित्र उनके पास आते हैं कि तुम इतना सुखी कैसे। तो वो कहता है कि जिस दिन तुम धन सुन रहे थे उस दिन मैंने विद्या का चयन किया और आज मेरे सुख के पीछे का राज यही है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विद्या हमारे लिए बहुत जरूरी है, मेहनत से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ वाक्य पढ़ता हूँ कि मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत मानव का मूल्य है, मेहनत से जीवन फिरता है, मेहनत करने वाले को जीवन का मकसद मिलता है, मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं, मेहनत से पासा बढ़ते, मेहनत से दाव बदलते हैं। मंजिल तक जाने को पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, जो जुनू हिम्मत को भी परवान चढ़ाना पड़ता है, विचलित हो विपदाओं से जो बीस रहा रुक जाते हैं, ऐसे कायर लोग कभी मंजिल नहीं पाते हैं। अतः कहता हूँ कि शिखर सफलता को सोने को होश पालना पड़ता है, हार चुके हाथों में फिर से जोश डालना पड़ता है, जज्बे के पंख लगाकर जो अपनी परवाजी भरते हैं, ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं, ऐसे मानव ही मंजिल का दर्शन करते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें असफलताओं से डर कर रुकना नहीं है। इस बात को मैं मेरे एक दृष्टांत से संदर्भित करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, वो देखता है कि एक हाथी वहाँ खड़ा है, एक विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है। तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि इतना बड़ा हाथी अगर शायद उस रस्सी को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वो वहाँ खड़ा है, लेकिन वो वहाँ खड़ा है। तभी उस हाथी का मालिक वहाँ आता है, वो उसके सामने प्रश्न रखता है कि भाई साहब आप बताइए कि इतने बड़े हाथी को आपने पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं लेता। तो वो कहता है कि जब ये हाथी छोटा था उस टाइम भी मैं इसे इसी रस्सी से बांधता था, और जब ये छोटा था इसने बहुत कोशिशें करी रस्सी को तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो इसने मन में विचार कर लिया, मान लिया कि मैं ये रस्सी तोड़ नहीं सकता।
से डरकर हमें रुकना नहीं, हमें धीरे धीरे प्रयास करते रहना है। एक कवि वर्ग में मेरे आदरणीय कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, मैं उनकी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो, जिसमें ये व्यक्तन हो कुछ तो उपयुक्त करो, तन को नरमौन विरास करो मतको, तुम लोग सहयोग न जाए सलाह, व्यक्त हुआ सब उपाय, भला पद आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है आप बोलम मन को, नरमौन विरास करो मन को। इसलिए मनुष्य होकर मन को निराश मत करो, आत्मविश्वास को किस तरह जिंदा रखे, मैं मेरी पंक्तियों में कहता हूँ कि जिस दिन मेरा तीर चलेगा, जिस दिन मेरा तीर चलेगा, सब बाधाएं सिर चलेगा, उम्मीदों की सुस्त धरा पर, तब विजय का नीर चलेगा, तब विजय का नीर चलेगा। और मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर एक अलग दर्जे का हुनर होता है, जमाना हमारे हुनर को समझे ना समझे, लेकिन हमें चाहिए कि हम हमारे हुनर को पहचाने। तो मैं इस बात को अपनी पंक्तियों से संदर्भित करना चाहता हूँ कि जुनू रगों में भर अलग कुछ कर सके तो कर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ, वरना कैसे कहेगी दुनिया इस बंदे में हुनर अलग कुछ। तो मैं मोटिवेशनल एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खेच तनु की डोर और साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। धन्यवाद, जय जय भक्त।